हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, लगातार कमेंट कर रहे थे, लगातार मैसेज कर रहे थे कि हमारा कोर्स ट्रांसफर प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, पोर्टल कब ओपन होगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही बोलता था कि रिजल्ट आने के 2 से 4 दिन बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और रिजल्ट आने को अभी 7 से 8 दिन होने जा रहे हैं, और फाइनली RGBB ने आपके दोनों पोर्टल ओपन कर दिए हैं। दोस्तों, जहाँ से अपन क्विक लिंक के ऑप्शन पे जाके अप्लाई कोर्स ट्रांसफर का ऑप्शन पे क्लिक कर देते, वहाँ पे भी आपका पोर्टल ओपन हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों की RGBB ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि ऑफिशियली अनाउंस होता है, और लाइन भी ओपन हो गया है। दोस्तों, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट अलर्ट वाले ऑप्शन पर दिख रहा होगा, जिसमें पहला है आपका लेटर रिगार्डिंग कोर्स ट्रांसफर, और दूसरा है आपका लेटर रिगार्डिंग ब्रांच ट्रांसफर। दोस्तों, ये दोनों प्रोसेस की आपकी लाइन ओपन हो गई है, दोनों के नोटिस आपको साइट पर अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। दोस्तों, ये वाला नोटिस है हमारा कॉलेज ट्रांसफर वाला, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सूचना, VTech बी फार्मेसी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में संस्था स्थानांतरण हेतु, दिनांक 16/9/2022। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको इसे डीपली पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले। ऐसा ही दोस्तों हमारा है लेटर रिगार्डिंग ब्रांच चेंज। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आए थे कि कब होगा कब होगा। तो दोस्तों, फाइनली हो गया है, तो डोंट मिस दिस दोस्तों। तो क्या करें, आप ब्रांच वगैरह सोच लें, कौन सी लेना है, कॉलेज वगैरह सोच लें, और इसके बाद ही आप कोई एक्शन लें। बाकी दोस्तों, इससे रिलेटेड आपकी कॉलेज में बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि आपकी कॉलेज की तरफ से आपको बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें वो आपको कुछ प्रोसेस भी बताएंगे, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, ये मैटर आप केयरफुली पढ़ें। इसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोर्स ट्रांसफर प्रोसेस का जो हमारा फॉर्म रहता है, NOC वगैरह का सब कुछ, जो कि हमारा क्विक लिंक के ऑप्शन पर जाके फिल किया जाता है, वो अगर आप खुद ही फिल करना चाहते हैं, तो कमेंट करके जो बताएं, उस पर हम वीडियो बना देंगे कि आपको कैसे फिल करना है, क्या प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों, आई होप ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट रही होगी, जो कि बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, और अगर आपको कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।